यस, चैप्टर टू की मिसलिनियस एक्सरसाइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है। मिसलिनियस मतलब पूरे चैप्टर का ओवरऑल कंसेप्ट है, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप मिसलिनियस एक्सरसाइज कभी ना छोड़ें, मैं भी आपको कंप्लीट करवाता हूं चलूंगा। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहा हूं। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, बस ध्यान क्या रखना है कि बाय मिस्टेक 13π/6 नहीं लिख देना है। कॉस का क्वेश्चन है, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस क्या लिख सकते हैं बोलिए, पाई प्लस 7π/6। 7π/6 से भी फायदा नहीं होगा, तो 2π माइनस ऑफ, अगर मैं प्लस π/6 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2π 12 प्लस 13। अब कॉस 2π + θ इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस π/6, देन फाइनल रिजल्ट इज π/6 जो हमारी रेंज में है। वैसे इस पे आइएगा, टेन इनवर्स टेन पाई प्लस π/6, सबसे पहले ये पूरा रिजल्ट इक्वल टू दिस होना चाहिए। अब टेन 180 + θ, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। टेन इनवर्स टेन π/6, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, एंड फाइनल आंसर इज π/6। राइट, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का। थर्ड से लेके मैंने यहाँ पे 8 तक लिखे हैं, सब सिमिलर क्वेश्चन है और आपसे इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो 2 sin inverse 3/5 = 10 inverse 24/7। पहले यहाँ पे 2 sin inverse x का फॉर्मूला लगा अप्लाई कर लेते हैं, तो 2 sin inverse x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 - x² एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5, ये हो गया 25 - 6 = 4/5, मीन्स साइन इनवर्स 24/25। अब साइन से कभी भी 10 में जाएंगे तो आप एक बेसिक लॉजिक याद रखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 7 हो गया, ये थीटा माने, तो इसका मतलब अगर मैं 10 में गया तो 10 में गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 24/7, ये देखिए प्रूफ हो गया। राइट, अब अगले क्वेश्चन को अगर हम समझें, तो साइन वर्स 8/17 प्लस साइन वर्स 3/5 इक्वल टू प्रूफ करना है 10 में। मैं आपको सजेशन दूंगा, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसके बाद फिर 10 में कन्वर्ट करें, पर उससे बेटर इन दोनों को पहले ही 10 में कर लें, क्योंकि 10 का फॉर्मूला यूज भी ज्यादा होता है और सिंपल भी होता है। तो अगर मैं इसको दोनों को 10 के टर्म में करूं, तो सबसे पहले ये देखिए, ये साइन वर्स 8/7 है, तो ये 10 इनवर्स, देखिए ये परपेंडिकुलर है 8, अब 289 माइनस 64 किया तो 225, तो 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4, ये हो गया LHS। अब x प्लस y अप्लाई करें तो 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 8/15 × 3/4, क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 इनवर्स 32 प्लस 45 बाय, ये कैंसिल ही होना है, पूरा कर देंगे कैंसिल, 60 - 24, तो देखिए अपने आप ही हो गया 77 बाय 10 इनवर्स 77/36 इक्वल टू RHS। सिमिलरली ये क्वेश्चन अब आप करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लें, इक्वल टू कॉस इनवर्स प्रूफ हो जाएगा। इसमें कॉस इनवर्स है, इसको भी कॉस इनवर्स कर लें या इसको साइन इनवर्स कर लें, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स में प्रूफ होगा। ये 10 इनवर्स एक्स है, यहां पर साइन और कॉस को अभी जो करा है बिल्कुल, इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा आपसे। और इस वाले को भी आप प्रूफ कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ लें तो 10 वर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई, और एक बार फिर से इनके कॉम्बिनेशन को लें तो फाइनली 10 वर्स 1 मिलेगा, जिससे रिजल्ट आएगा π/4। नोट डाउन। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, प्रूफ डैट वाला, ये 10 वर्स √x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका बताता हूं। RHS साइड ले लें, इसको लिखे 1/2 कॉस इनवर्स 1 - √x² अपॉन 1 + √x² ये फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया हुआ है, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² 2 tan inverse x। तो ये इसको x माने तो 1/2 2 tan inverse √x, 2 से 2 कैंसिल, तो नेट रिजल्ट विल बी 10 inverse √x। नो डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10th, cot inverse √1 + sin x + √1 - sin x
रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट वन माइनस साइन एक्स जीरो टू पाई बाई फोर। इस लिमिट का बहुत पर्पज होता है। क्या पर्पज होता है मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और आप ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा, नो इशू। बट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना है। जब मैं लिखूं कि रूट वन प्लस साइन एक्स, तो याद रखिएगा यहां प्लस है तो प्लस आएगा। याद रखिएगा कि रूट से निकली क्वांटिटी मॉड होती है, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ये लिखेंगे हम मॉड में। अच्छा, और प्लस होगा, सॉरी, और रूट वन माइनस साइन एक्स होगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का मॉड। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि मॉड ए माइनस बी, ए माइनस बी होता इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी माइनस ए बी होता है जब ए लेस देन बी हो। इस मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ये इसका कीवर्ड है, तो ये लिखूंगा मॉड कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। मैं आपको वो क्वेश्चन जो थोड़े भी डिफरेंट है करवाऊंगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम करें। यहां पर देखिए कितना, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का मॉड प्लस कॉस, सॉरी माइनस है, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब देखिए मॉड से क्या ओपन होगा ये हमें देखना है। तो जीरो टू पाई बाई फोर बोला है, और जीरो से पाई बाई फोर में कंपेयर टू कॉस की वैल्यू कंपेयर टू साइन से ज्यादा होती है, मतलब कॉस इज ग्रेटर देन साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई, तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। यहां तो बाय टू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसका मतलब ये इसी फॉर्म में ओपन होगा। यही इंपॉर्टेंट चीज थी, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, नीचे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। तो ये कैंसिल होके टू कॉट एक्स बाय टू, टू में टू भी कैंसिल, तो एक्स बाय टू इज द फाइनल आंसर। राइट, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए जब भी दोनों एक साथ आए, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, तो ऑलवेज रिमेम्बर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करें, बिकॉज वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, एंड वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो आपने पुट किया एक्स की जगह कॉस थीटा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, टेन इनवर्स रूट टू कॉस थीटा बाई टू माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू बाय रूट टू कॉस थीटा बाई टू प्लस रूट टू साइन थीटा बाई टू। रूट टू से रूट टू कैंसिल, कॉस का डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा बाई टू ऑन वन प्लस टेन। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, एंड फाइनली पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू डाल दू तो वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव करवाया नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाय फोर साइन वर्स वन बाय थ्री इक्वल टू नाइन बाय फोर साइन वर्स टू रूट टू बाय थ्री। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन का थोड़ा चेंज करते हैं, हम आरएचएस लेते हैं और 9 बाय फोर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ये उधर गया तो प्लस साइन इनवर्स 1 बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स टू रूट टू बाय थ्री। चाहे तो साइन में कर लें, चाहे तो कॉस में कर लें, चाहे तो टेन में कर लें, नो इशू, हम साइन में ही कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज रूट एट, तो एट बाय नाइन प्लस वाई टू रूट टू बाय थ्री रूट वन माइनस वन बाय नाइन। राइट, ये हुआ 9 बाय फोर साइन इनवर्स 1 बाय थ्री इन टू वन बाय थ्री प्लस टू रूट टू बाय थ्री इन टू टू रूट टू बाय थ्री। मीन्स फाइनली अगर मैं देखूं लॉजिकली, तो 9 बाय फोर साइन इनवर्स ये 1 बाय नाइन है और ये 8 बाय नाइन है, तो साइन 9 बाय फोर साइन इनवर्स 1 मीन्स 9 बाय फोर इन टू पाई बाई टू, तो 9 पाई बाई 8। तो ये देखिए प्रूफ हो गया। राइट, इक्वल टू एलएचएस।
नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले हम 13 देखें तो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos x। क्या करेंगे? सिंपल, पहले यहां पर हम 2 अगर 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं तो ये होगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? इसे थीटा माना, इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos x। अब देखिए 10 से 10 गया तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos square x इक्वल टू sin square x इक्वल टू एक तरह से 2 अपॉन sin x, राइट? sin x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अपॉन में है, एक sin कैंसिल, तो 2 cos x इक्वल टू 2 sin x, तो 10 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पाई बाई 4, राइट? नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1 बाय 2 10 इनवर्स x। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, 10 इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। आप चाहें तो x को थोड़ी देर के लिए 10 थीटा ले लें समझने के लिए, तो ये हो गया। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स x, राइट? और x की जगह अगर आप 10 थीटा लेंगे तो भी हो जाएगा। तो क्या होगा, 10 इनवर्स 1 माइनस, समझाने के लिए 10 थीटा ले लिया आपको, 1 प्लस 10 थीटा, दिस इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, राइट? पाई बाई 4 माइनस थीटा, अब यहां से 10 इनवर्स 10, अच्छा इक्वल टू में वो चल ही रहा है, ये ऐसा करें, बल्कि आप इसको ऐसा भी मत करो, राइट? या चलिए इतना कर लिया तो चलेगा, बाकी इसमें दोनों को, क्योंकि हमें यहां प्रूव नहीं करना है बल्कि इक्वेशन सॉल्व करना है, इसको आप ऐसा सोचिए कि ये क्वेश्चन ऐसा दिया, 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 10 इनवर्स x, राइट? 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स x, मीन्स 3 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 10 इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, तो x इक्वल टू 10 पाई बाई 6, दिस इज 1 बाय रूट 3, x इक्वल टू 10 पाई बाई 6 इक्वल टू 1 बाय रूट 3, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, 16, 17, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या है, साइन इनटू 10 इनवर्स एक्स, तो सिंपल 10 को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो साइन इनटू ये थीटा, ये एक्स, ये 1, तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, आपको प्रूव करना है, सॉरी एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, देखिए ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स x माइनस y लगाऊं फिर से, तो साइन इनवर्स x, इस पूरे को x मानो, इस पूरे को आप y ले लें, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा कम करना है तो एक और तरीका बताता हूं, आप एक काम और कर सकते हैं चाहें तो, आप से ऐसा लिखें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 को लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट? आप साइन इनवर्स एक्स वाई लगा दें तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस, ये जीरो हो जाएगा देखिए, माइनस वाई 1 रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
राइट अब ये साइन से साइन वर्स गया, ये कंप्लीटली जीरो, तो ये मिला माइनस रूट वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा देखिए, वन से वन कैंसिल, एक तरह से मुझे मिला टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ इक्वल टू टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या होगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। राइट अरेंज कर लीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। टू एक्स माइनस, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, अभी चलो यहां तक कर रहा है तो पहले करते हैं टू एक्स, एक एक्स कैंसिल, तो टू माइनस एक्स इक्वल टू फोर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का निकल के कैंसिल, यानी एक्स की एक वैल्यू तो जीरो आ गई जो आप कॉमन लेंगे। राइट एक ऑप्शन ये दिया हुआ भी है तो आप ये आंसर भी दे सकते हैं। ऑप्शन ये दिया था, आपने क्या करा देखिए, एक्स इससे कॉमन लिया तो टू माइनस एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स ओवरऑल कॉमन लिया तो टू माइनस एक्स माइनस फोर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो और टू माइनस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये बन रही है। राइट तो हमारे पास एक ऑप्शन था एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप यहां पर इतना भी करके छोड़ सकते हैं। तो अब कर ही लिया था तो इसको, ये भी एक तरीका हो सकता था, नोट डाउन। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर, इसमें एक 17 भी लिखा है, देखिए 17 कितने सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं चाहें। क्या दिया है, टेन इनवर्स x अपॉन y माइनस माइनस टेन इनवर्स y का अगर डिवाइड कर दो तो x अपॉन y माइनस वन अपॉन वन प्लस x अपॉन y, और इसको ओपन करें तो टेन इनवर्स x अपॉन y माइनस टेन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स वन, एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दिए कैंसिल, आंसर आया 5/4। राइट तो इस तरह से मिसलियस एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करी, इनवर्स का एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन हमने कवर किया। पहले हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद एग्जांपल्स, और अब हमने एनसीईआरटी की बुक्स भी कर ली। अब इसके बाद हम फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल की शीट्स भी कवर करेंगे, पर एक बार आप लोग एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से सॉल्व करें, जहां डिफिकल्टी आए आप इसको देखें, यही आपको एडवांटेज है पेन ड्राइव का कि आपको सारी चीजें कई बार मिलेंगी और कई चीजें रिविजन के साथ मिलती चलेंगी, तो आपके कंसेप्ट अपने आप स्ट्रांग होते चलेंगे।